नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा शोध जारी है। उस शोध के माध्यम से आज हम आपको एक रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उस रहस्य में ये बताया गया है कि जब ग्रह दशा व्यक्ति की खराब होती है तो उसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है, और जब हमारी बुद्धि पर उसका असर पड़ता है तो कैसे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और चोटिल हो जाता है। आज इसी माध्यम से, आज इसी की वजह से हम आपको बताएंगे, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे बुद्धि भ्रमित होती है। अगर आपकी बुद्धि भ्रमित है तो कैसे उससे बचा जा सकता है, खराब ग्रह दशा को कैसे सही किया जा सकता है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान, जो कि NPAR के सिविल लाइंस प्रयागराज में स्थित है, वहां पर आकर भी आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा निदान अगर पाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सफलता के लिए खराब समय में गलत धारणा से बचें। जीवन में खराब ग्रह दशा अंधेरे की तरह होती है। अंधेरे स्थान पर एक रस्सी पड़ी है। बुद्धि ने गलत धारणा उत्पन्न की कि यह सांप है। दिल ने मान लिया कि यह काट खाएगा। तुरंत शरीर अपने को बचाने के लिए दौड़ने लगा और अंधेरे में गिरकर चोटिल हो गया। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय बताते हैं कि ग्रह का प्रभाव बुद्धि पर होता है, इसीलिए बुद्धि जिसका कार्य निर्णय करना होता है, खराब समय में गलत ही निर्णय करती है और रस्सी को सांप समझकर व्यक्ति चोटिल हो जाता है। बुद्धि अशुभ ग्रह दशा के कारण भ्रमित हो जाती है, यानी कि विनाश काल आने पर बुद्धि पर विपरीत असर होता है, जिसकी समझ व्यक्ति को नुकसान होने के बाद ही होती है। विनाश काल आने पर बुद्धि को वास्तविकता दिखाई नहीं देती, ना ही बुद्धि अपने आगे किसी को सही मानती है। यही खराब समय की परिभाषा है। क्या किया जाए कि चोट ना लगे? भागना बंद करें या बुद्धि की गलत धारणा ही मिट जाए कि रस्सी रस्सी ही रहे, सांप न बन जाए, तो व्यक्ति नुकसान से बच सकता है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रदान किया जाता है। खराब समय में केवल वही व्यक्ति आपका कल्याण कर सकता है जिसकी बात आप बिना शंका के दिल से मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति या गुरु जिसे स्थिति का पूरा ज्ञान हो और जिस पर आपको अधिक विश्वास हो, वह आपको समझा दे कि दौड़ो नहीं, यह सांप नहीं रस्सी है, और अगर आप बिना किसी शंका के मान ले तो यह तरीका आपको नुकसान से बचा सकता है। खराब समय में संशय मुक्त होकर अपने शुभ चिंतकों अथवा गुरु, ज्योतिर्विद, बड़े बुजुर्ग, विद्वानों की बातें तत्काल समझ में ना आने पर भी मानेंगे तो अशुभ प्रभाव आप पर हावी नहीं होगा और सफलता आपके साथ चलेगी। ज्योतिष का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आप अपने जीवन के अंधकार को ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान प्रयागराज में परामर्श लेकर दूर कर सकते हैं, क्योंकि वक्त पहिया है जो हर हाल में बदलता है।